तो फाइनली मैं दोस्तों जा रहा हूँ मनी एक्सचेंज करने के लिए। अपना जो इंडिया के रुपये हैं उनको 5000 रुपये को मैं रियाल में कन्वर्ट करके लाऊंगा। तो चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे सिस्टम रहता है। किसी तरह की कोई दिक्कत तो फेस करनी नहीं होती है। सारे देशों में मनी एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो एक ही जैसा रहता है। आपको किसी भी देश में जाकर इंडियन रुपी को देकर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वहाँ की करेंसी में। तो ये बिलाल मस्जिद वाला रोड है और ये जो रोड का नाम है किंग फैसल रोड, ये किंग फैसल रोड का नाम है। इस वाले रोड पर मनी एक्सचेंज का ऑफिस बना हुआ है। हम हरम शरीफ से 365 नंबर वाले गेट से निकले हैं, उल्टी साइड से निकले हैं हम। तो ये वाला रूट है, तो इस वाले रूट पर आपको एक ऑफिस देखने को मिलेगा। बाकी कई सारे ऑफिस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये देखेंगे खालिद सलीम अल हबीबी ऑफ हाई एक्सचेंज, ये ऑफिस है। और बाहर कई सारी महिलाएं भी हैं, सारे लोग अपने अपने देशों से आए हुए हैं। हमने जो है गांधी जी को यहाँ पर पहचान लिया है, 500 का नोट छपा हुआ है। तो हम ऑफिस में एंटर हो गए हैं। तो देखेंगे हम कैसे कैसे क्या क्या बातचीत करनी पड़ती है। तो हमने इंडियन रुपये को दे दिया है, देखेंगे हमारे हाथ से एक गिन रहा है बंदा। तो हमने ऊपर को वीडियो नहीं बनाई, कभी मना करने लगे तो हमने इंडियन रुपये को दे दिया है 5000 रुपये को। बाकी LCD लगी हुई है, वहाँ से आप पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखेंगे हमें इन्होंने दे दिए हैं 5000 रुपये के बदले में 210 रियाल इन्होंने दिए हैं। और ये बिल नंबर भी है, विद GST इन्होंने हमारा टैक्स काटा है। तो हमारा जो रियाल पड़ा तो इस वाले बिल के हिसाब से 23.80 रुपये का एक रियाल पड़ा है, जो ऑनलाइन गूगल पर रेट रहता है उसी के हिसाब से चेंज करके देते हैं। एक दिन पहले मैंने 23.60 रुपये का चेंज किया था, एक दिन बाद 23.80 रुपये का हो गया। तो आज वाली जो स्लिप है 23.80 रुपये की स्लिप है। तो गूगल पर जो रेट रहता है उसी के हिसाब से ये चेंज करके आपको देते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। वहाँ जाकर भी आप अपने करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग दिल्ली वगैरह में चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग एयरपोर्ट पर चेंज कर लेते हैं। तो आप चेंज करना चाहते हैं तो अपने इंडिया में भी कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन में जाकर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इंडियन रुपये को ले जाइएगा बैंक में रखकर, वहाँ जाकर कोई से विदेश में आप चेंज कर सकते हैं। विथ बिल के साथ आपको पैसे देगा, कोई बातचीत नहीं करनी है आपको, केवल नोट पकड़ा देने, बोले सर ये लीजिएगा और हमें जो है करेंसी चाहिएगा इस देश की, बस इतना कहना है। या प्लीज़ एक्सचेंज कह दो, ऐसा कर दो, तो वो समझ जाता है और ऑटोमेटिकली आपको पैसे दे देता है। तो ये पूरा तरीका रहता है। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छे